हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैंने आपके साथ शिमला मिर्च मशरूम की सब्जी की रेसिपी शेयर की है, जिसके लिए हम एक पैन में लेंगे एक चम्मच तेल का और एक छोटा चम्मच जीरे का और एक छोटा चम्मच धनिए का, और उसके बाद हम लोग डाल देंगे उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हम लोग गोल्डन होने तक कर देंगे कुक। उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे स्लाइस किए हुए 3 बड़े प्याज। अगर आपको स्लाइस चाहिए नहीं पसंद है तो आप बारीक काट के भी डाल सकते हैं, पर ये बहुत ही बढ़िया लगते हैं इस सब्जी में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरी मोटिवेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्याज को 2-3 मिनट कुक करने के बाद फिर हम इसमें डाल देंगे 4-5 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक। आप हरी मिर्ची कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च मशरूम की सब्जी बनती भी बहुत ही बढ़िया और बनती भी झटपट से है, आप जरूर ट्राई करिएगा। फिर हम इसमें डाल देंगे 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। जब टमाटर हमारा थोड़ा सा पक जाएगा ना, तो हम इसमें डाल देंगे हमारे मसाले, जिसके लिए मैंने इसमें डाला है 1.5 चम्मच नमक का, 1 चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच लाल मिर्ची का और 1/2 चम्मच गरम मसाले का। मसालों को अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स और उसके बाद हम लोग इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मलाई का। मलाई डाल के मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारे तड़के का कलर कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल आया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना। तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया है मसालों ने। फिर हम इसमें डाल देंगे जिस बाउल में हमने मलाई लिए था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दिया है, और इसको कर लेंगे हम थोड़ा सा और कुक। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करिएगा। ये देखिए हमारा ब्यूटीफुल सा तड़का हो चुका है रेडी। अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए मशरूम। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट मशरूम का लिया है। आप किसी भी तरीके से मशरूम्स को काट सकते हैं। अगर आपको बारीक बारीक पतले पतले मशरूम्स पसंद हैं तो आप वैसे भी इसको काट सकते हैं। तो फिर अभी हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, हमारे मसाला कोट हो जाए मशरूम्स के ऊपर। फिर हम इसको 5-7 मिनट के लिए कवर करके कर लेंगे कुक। ये लीजिए हमारे मशरूम्स हो चुके हैं 80% तक कुक। अभी हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। आप शिमला मिर्च भी अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे। फिर हम शिमला मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे मसाले में कोट, और फिर हम इसको कवर करके कर लेंगे थोड़े टाइम के लिए कुक। जब हम कवर करके कुक करेंगे तो हम इसको कर देंगे लो फ्लेम के ऊपर। तो उसके बाद 5-7 मिनट में हो जाएगी हमारी सब्जी रेडी। बीच बीच में सब्जी को हिलाते जरूर रहिएगा। ये लीजिए हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज के साथ सर्व करिए, बहुत ही बढ़िया लगती है और सभी की फेवरेट हो जाएगी। आप जरूर एक बार ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजॉय, हैव अ गुड डे, बाय।